हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी आज के टाइम में सबको जरूरत है, हैप्पीनेस यानी खुशियाँ। सब चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही रहें, हमारे घर के सब लोग खुश रहें। बट ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये आपकी जो सोच है, जो आपका भाव है, ये चीज़ करती है, उसके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही इमोशंस आपके मन में आएगा, और जैसा इमोशंस आपके मन में आता है वैसा ही आप एक्शन करते हो, यानी वही चीज़ फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके जीवन में आती है। मान लीजिए ये संसार एक आईना है, इस आईने में आपको जो देखते हो वही आपको वापस दिखाई देता है। यानी अगर आप क्रोध, ईर्ष्या, अगर ये चीज़ आप फेंकोगे तो यही चीज़ रिपीट होकर आपके पास आएंगी। अगर आप प्यार की, लव की, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन अगर आप देते हो तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यानी जो चीज़ आपको चाहिए आपका फोकस उस पर होना चाहिए। बट आज के टाइम में क्या है, हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमारा ज़्यादातर फोकस वहाँ होता है जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, वही चीज़ हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। हम हर पल हर क्षण क्या सोचते रहते हैं, क्या करते हैं, हमारी जो सोच है वो क्या, किस टाइप की सोच है, बिना जाने और अनजाने में हम वो चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ हमें सोचनी है, उसी की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए एक तितली का एग्जांपल लेते हैं, तितली जो हैप्पीनेस का एक प्रतीक मानते हैं हम उसे, आप उस तितली को पकड़ते हो वो और आगे भागती जाती है। जितना आप उसको पकड़ने के लिए भागोगे वो और आगे जाएगी। बट अगर आप वहीं पर स्थिर खड़े हो जाते हो तो वो तितली खुद ब खुद आपके कंधे पर आकर बैठ जाती है। यानी जितनी पीछे आप खुशियों के पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगे। तो सिंपल सॉल्यूशन है, आप खुश रहना शुरू कर दीजिए। हर पल हर क्षण जो आप दूसरों को देना शुरू करते हैं, आपका जो माइंड है वो ये नहीं सोचता कि आप सच में दे रहे हैं या नहीं। अगर आप एक्टिंग भी करते हैं खुश रहने की तो वही आपके जीवन में वापस आता है। तो जो भी आपको चाहिए फोकस आपका वही होना चाहिए। तो आज हम इसमें बात करेंगे ऐसे स्विच वर्ड के बारे में जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। जब आप उदास फील करते हो, सैड होते हो, तो आपको आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव हो जाती है, और जब आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है तो वैसे ही पॉसिबिलिटी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही आदमी आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप हैप्पी हो, अगर आप खुश हो, तो वैसे ही पॉसिबिलिटी, वैसे ही सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी, वैसे ही आदमी आते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जैस टाइप की आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही व्यक्ति आपके जीवन में, वैसे ही पॉसिबिलिटी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। यानी जो अपनी सोच है, अपने विचार हैं, हम क्या सोचते हैं उस पर हमें ध्यान करना चाहिए, और अपने जो हमारा हार्ट चक्र है हमें उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमारे हार्ट चक्रा पर डिपेंड करती है। जितना हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस होगा उतनी ही खुशियाँ हमारे जीवन में आएंगी। जितनी खुशियाँ हम दूसरों को देंगे उतनी ही डबल होकर खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं। ईश्वर कहता है पहले तुम देना सीखो तभी आपको मिलता है। यानी आप हाथ फैलाकर बैठे हैं और मांगते रहेंगे कि भगवान मुझे खुशियाँ दे दो, नहीं, ये आपकी चॉइस है। हमारे जीवन में सदा दो चॉइस होती हैं, या तो आप सैडनेस चूज करते हैं या आप हैप्पीनेस, राइट? या तो आप हैप्पीनेस की मैग्नेट बनते हैं या सैडनेस। सुबह उठ के आप क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, आप खुश महसूस करते हैं या जो है आप दुखी महसूस करते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक ऐसा क्या करें कि हम हमेशा खुश रहना शुरू कर दें, हमारे जीवन में खुशियाँ आना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी बातों पे जो हमारे जीवन में किसी आदमी को हमें कुछ कह देता है तो हम उदास हो जाते हैं, ठीक है? किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उदास हो जाते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह किसी की फ़ोन कॉल आती है, वो इंसान कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान ने कहा कि यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर जो खुशी वाइब्रेशन आ जाती है। एक दो दिन के बाद वही व्यक्ति फिर फोन करता है, कहता है यार तुम बहुत बेकार आदमी, तुमने ये काम कर दिया मेरे साथ, राइट? तो आपकी वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, यार उसने मुझे बुरा कह दिया कि इसलिए आप बुरा फील कर रहे हो। तो जो आपका जो इनर है वो आप किसके कंट्रोल में हो, यानी उस व्यक्ति के कंट्रोल में आप हो। जब वो आपको अच्छा बताता है तो आपको अच्छा फील होता है, जो आपको बुरा बताता है तो बुरा फील। यानी आपने अपनी लाइफ की चाबी जो है दूसरों के हाथ में दे रखी है। जब तक आप अपनी चाबी खुद अपने हाथ में नहीं लेंगे आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए हर पल हर क्षण कुछ भी हो रहा है बस लव की वाइब्रेशन सेंड करते रहें खुशी की, तो वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही पॉसिबिलिटी, सब कुछ आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है।
तो चलिए अब हम जानते हैं ऐसे स्विच वर्ड जो आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, बट उनको प्रयोग कैसे करना है इससे पहले हम ये जान लेते हैं। कोई भी स्विच वर्ड है या एंजल नंबर है उसको हम अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे हमें लिखना होता है या लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से आपको लिखना है, राइट। सेकंड जो हमारा होता है इसको आपको दिन में 3 बार सुबह शाम या दोपहर 45 टाइम आपको इसी चैंटिंग करनी होती है, या आप एक पेज पे इसको फुल पेज आप इसको लिख भी सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो जो हमारा हैंड की जो ये फिंगर्स होती हैं ये सीधे हमारे माइंड से कनेक्ट होती है, जब हम लिखते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा असर डालती है। इसलिए जब भी कोई चीज़ आप रिटन वर्क में करते हो तो वो आपके माइंड पर ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है, वो आपकी एनर्जी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, कोई भी आप पानी की बॉटल ले लें बट वो पानी की बॉटल है वो क्लियर होनी चाहिए और कलरफुल नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आप वो नंबर लिख के आप उसको सादे उस पानी को पी सकते हैं या आप लेफ्ट हैंड पे उसको लिख सकते हैं। तो जो स्विच वर्ड है कौन से हैं ये जानते हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा स्विच वर्ड है हैप्पीनेस का वो है 287741। मैं और फिर से रिपीट करती हूँ 287741। ये जो हमारा एंजल नंबर है ये आपको अपने लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से लिखना है। अब जो हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा स्विच वर्ड क्लैप डांस होलीडे इंक। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्लैप डांस होलीडे इंक। अब जो हमारा थर्ड आता है ये आपकी गुड हेल्थ के लिए आता है, लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ, यानी आप अपनी जो है सेहत अच्छी चाहते हैं या लाइफ में लंबा चाहते हैं, लंबा जिए या खुश रहें हमेशा, तो ये आप तीनों पे ये काम करता है। तो ये वाला स्विच वो एंजल नंबर है जो वो है हमारा 171-2210। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ 171-2210। जब आप ये स्विच वर्ड ये एंजल नंबर का प्रयोग करते हैं तो आप देखना थोड़े ही दिन में आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इनका आप कम से कम 28 डेज प्रयोग करें सुबह शाम। और इसमें एक और ख़ास चीज़ ये है, अगर बहुत से मेरे से पूछते हैं कि हम कितने सारे स्विच वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आप कम से कम 3, इससे ज़्यादा आप स्विच वर्ड नहीं ले सकते। जब हम बहुत सारे एक साथ स्विच वर्ड ले लेते हैं तो उतना वे काम नहीं करते। मान लीजिए आपकी 3 प्रॉब्लम है तो आप 3 प्रॉब्लम के लिए एक एक स्विच वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी एक ही प्रॉब्लम है और एक ही प्रॉब्लम के लिए आपको अलग 3-3 एंजल नंबर या स्विच वर्ड आप ले सकते हैं, यानी 3 से ज़्यादा आप स्विच वर्ड नहीं ले सकते। तो जो आपने स्विच वर्ड का या एंजल नंबर का प्रयोग करते हैं तो ये सीधे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और आपकी लाइफ में वही एनर्जी जो है क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब ये नहीं है कि आप 45 टाइम ही करें, अब हमने बोल दिया 45, अब अगर सारा दिन भी इसकी चैंटिंग करते हैं तो ये और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। यानी आप एक मंत्रा के रूप में इसको ले लीजिए, सारा दिन इसकी चैंटिंग करते रहिए तो आपके अंदर वही इमोशंस रहेंगे, वही एनर्जी आप बार बार क्रिएट करते रहेंगे, तो ये आपके जीवन में बहुत जल्दी असर करता है। बट हाँ, किसी के जीवन में जल्दी करता है, किसी के जीवन में थोड़ा देर में। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कितनी ब्लॉकेज हैं, आपका जो माइंड है, आपके विचार हैं, आपकी सोच है वो कैसी है, ये इस पे डिपेंड करता है। बट ये जो है 100% रिजल्ट करता है। जब आप अपनी सोच पे काम करते हैं, अपने विचारों पे आप काम करते हैं, साथ में इन नंबरों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में खुशी आने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर पल हर क्षण खुश रह सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की मैग्नेट बनना है, खुशी की मैग्नेट बनना है या सैडनेस, ये आपकी च्वाइस है। या तो हम बैठे बैठे दूसरों के बारे में बातें करते रहेंगे, उसके लाइफ में ये हो गया या उसने ऐसा कर दिया, या हम अपने जीवन को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सारा फोकस अपने ऊपर लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम इस जीवन में आए हैं तो अपने लिए कुछ करने के लिए आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या सिर्फ हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए आए हैं, आपका भी अपना कुछ उद्देश्य होगा। तो आप इन चीज़ों को प्रयोग करें, अपनी ग्रोथ के लिए काम करें, अपनी अचीवमेंट के लिए काम करें, फिर देखें आपके जीवन में कैसी खुशी आएंगी। अगर आप हर पल हर क्षण हैप्पीनेस के क्षण में रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों को प्यार की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो देखना आपका जीवन कैसे चेंज होता है। तो आप इनको प्रयोग करके देखें, अगर आपके जीवन में कोई चेंज आता है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।